दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर, दोस्तों मैं सोशल मीडिया पे कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कमेंट कर रहे हैं कि 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना। इतने दिन से वो सो रहे थे, मैं लगातार 4 दिन से भाग रहा हूँ, आज भी अब जस्ट निकल के आया हूँ। मैंने प्रयास किया था आप लोगों के लिए, और जब मैं मैम से मिला था परसों, तो मैम ने कहा था 1.5 गुना परिणाम निकालेंगे, लेकिन फिर कल एक बार मीटिंग हुई और आज मीटिंग हुई है, जो विधिक राय मिली बोले 1.5 गुना नहीं निकाल सकते। जो हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो आदेश क्या है, जितनी पोस्ट खाली है, जिस कैटेगरी खाली है, उस पे केवल एक और सूची जारी होगी, 1.5 गुना की नहीं होगी। टीएसपी, नॉन टीएसपी, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल की आ रही है, और जो विशेष शिक्षक जिनकी एक भी वेटिंग सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन उनकी भी सूची नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो हाई कोर्ट ने आदेश फर्स्ट लेवल का दिया है, सेकंड लेवल का दिया है, विशेष शिक्षक का मामला भी कोर्ट में, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, तो उनकी सूची को भी रोक दिया गया है। जो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि 3 गुना आ सकती थी, 2 गुना आ सकती थी, 1.5 गुना आ सकती, क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही, जो उन्होंने विधिक राय ली, जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश की पालना कर रहे हैं। और कोर्ट के आदेश में विशेष शिक्षक, जो विशेष शिक्षक है, तुम्हारी तो एक और सूची आ गई थी, उनकी एक भी सूची नहीं आई, तो उनकी सूची भी रोक दी गई, नहीं जारी होगी। टीएसपी और नॉन टीएसपी की, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की जारी होगी, विशेष शिक्षक की नहीं होगी, एक ही सूची जारी होगी। कल जो मैंने बताया था आपको, परसों जब मैं मैडम से मिल गया, तो मैडम ने कहा था 1.5 गुना निकाल देंगे, वो सहमत थी। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके मैडम से पूछ लेना, क्यों कहीं दो मिलकर गया था, आपने क्या कहा था। लेकिन उस समय मैडम खुद भी चाहती थी, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम खुद भी चाहती थी कि ज्यादा ज्यादा लोगों को फायदा हो, लेकिन जो विधिक राय, जो उनके जेलर साहब थे, जो इनके विधि प्रकोष्ठ के वो भी थे, और बीकानेर से भी निदेशक महोदय थे, उप निदेशक महोदय थे, और डीएस थे, सब तमाम अधिकारियों की मीटिंग हुई, तो उसमें यही निकला कि हाईकोर्ट के जो निर्णय है उसके आदेश की पालना की जाएगी। निर्णय क्या है? मान लीजिए 100 सीटें, पहले 80 बढ़ चुकी है, 20 सीट बची है, तो 80 बढ़ चुकी है, तो उनसे नीचे वाले 20 को और ले लेंगे, यानी कि जिस भी कैटेगरी की सीटें खाली है वो ऑपरेट की जाएगी, उनको लिया जाएगा। कुल मिलाकर रिशफल नहीं होगा, केवल वेटिंग आएगी, रिशफल नहीं होगा, केवल वेटिंग आएगी, और जो नीचे से सीट खाली है उनको भरा जाएगा, जिस भी कैटेगरी का पद खाली है। अब आज मीटिंग हुई है, 1.5 गुना आने से मुझे भी खुशी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके 1.5 गुना निकालेंगे, तो कहने की मामला अटक जाएगा, और भर्ती प्रक्रिया जो एक और सूची निकाले वो अटक जाएगी, तो उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना की है। अब मीटिंग में फाइनल होने के बाद मुख्य शिक्षा मंत्री जी के पास फाइल चली गई है, वहां से अनुमोदन होने के बाद आपके आदेश जारी होंगे, यानी कि आदेश कल जारी हो, परसों जारी हो, सोमवार को जारी हो, यानी कि शिक्षा मंत्री जी से आदेश जारी होने, मैं कोशिश करूंगा माननीय मंत्री से बात करके आपके आदेश जारी करवाने के लिए, आदेश जारी होने के बाद करीब 20 दिन में आपका परिणाम आएगा, 20 दिन में, 15 से 20 दिन में आपका परिणाम आएगा, 15 से 20 दिन में, क्योंकि मैंने बताया था अलग अलग विषय, अलग अलग कैटेगरी, स्पोर्ट्स, इसके अनुसार परिणाम 50 से ज्यादा तरीके से परिणाम तैयार होगा, तो उसमें 15 से 20 दिन लगेंगे, और उसके बाद करीब 7 दिन में आपके जिला आवंटन का कार्य होगा, 7 दिन में, और फिर जिला आवंटन के 7 दिन के बाद 10 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग और नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। ये आपकी जो लोग पूछ रहे थे ना कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, 20 और 10, 30 और 7, 37 दिन, यानी कि 37 से 40 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 1 से 1.25 महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो सूची जारी होने के बाद, मात्र 1.25 महीने की प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक के लिए। और अब जो मंत्री जी के पास फाइल गई, उनका अनुमोदन होना है, और फिर उसके बाद आदेश जारी हो जाएंगे बीकानेर निदेशालय को। सारी कंप्लीट प्रक्रिया हो चुकी है, जो कल मामला अचानक रुका था, कैसे क्या किया जाए, एक बार उन्होंने विधिक राय ली, विधिक राय में जब उन्होंने बताई, विधिक राय जो उनके जेलार होते हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग हाईकोर्ट की पालना के, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जितने पद खाली है, यानी कि जो लगे उनको छेड़ना नहीं है, और जो पद खाली है उन पे एक और सूची निकालनी है, तो दोस्तों न 1.5 गुना आएगी, न 2 गुना आएगी, जिस कैटेगरी के पद खाली है उन कैटेगरी को पदों की सूची आएगी, 1 गुना आएगी,
इसके अलावा रिसेप्शन नहीं होगा, वेटिंग होगा। अब कई लोग कुछ भी कहें, दोस्तों मैंने तो जी जान लगाकर माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से, मेरी जिद से, मेरी मेहनत से ये सूची आ रही है। मुझे पता है जिसका नंबर नहीं आएगा वो गाली देगा, लेकिन आप सोच लीजिए मैंने निस्वार्थ भाग कर आज भी वहां पड़ा था, कल भी, कल नहीं गया, परसों गया था मैं, लगातार मैं भाग दौड़ करके माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर यह सूची निकलवाने का काम किया है। मुझे पता है इसमें मेरी गलती नहीं है, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार लेवल फर्स्ट और सेकंड की सूची जारी हो रही है, इसमें उपेन यादव का निर्णय नहीं है। जो लोग कह देंगे यार उपेन यादव ने नहीं चाहा, मैंने चाहा था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश की पालना की है। आप सोच लीजिए, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जो विशेष शिक्षक है उनकी तो एक भी सूची नहीं आई, एक सूची तो आ सकती थी, लेकिन यह कहते हुए कि उनका हाईकोर्ट का आदेश नहीं है इसलिए उनकी सूची जारी नहीं हो रही, तो आपकी दो गुना तीन गुना कैसे जाए, ये विधिक राय में इन्होंने निर्णय लिया है। इसके अलावा जो विशेष शिक्षक है उनका मामला कोर्ट में, जैसे आदेश होगा उनकी सूची भी जारी हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ कि इनकी सूची हो रही है, आप हताश न हो, जल्दी इसी आदेश से इनसे कवर हो जाएगा, जो लेवल टू का फर्स्ट का था इसे कवर होगा आपका आदेश, आपकी सूची भी जारी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी सूची जारी हो जाएगी। इसलिए जो कोर्ट सूची का इंतजार कर रहे थे, मुझसे जितनी मेहनत हुई मैंने की है, कई वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैंने जो वादा किया, चाहे लटकाना पड़ा, चाहे जेल जाना पड़ा, चाहे अनशन करना पड़ा, और चाहे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ा, चाहे शिक्षा मंत्री जी के सामने हाथ जोड़ना पड़ा, कैसे जैसे करके, और आपकी सूची आपके सामने मैं लेके आऊं, जो आपसे वादा किया था कि जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। सब लोग घर बैठे, आप देख रहे हो ना, कोई घर बैठे कॉपी पेस्ट करने का काम करेंगे, बहुत कॉपी पेस्ट करेंगे, और वो भी इस मामले में बोलेंगे, जो लोग अपनी भर्ती की, जो 16 में 17 में अपनी भर्ती की सूची नहीं निकला पाए, उनके मामले में सरकार ने चैलेंज कर दिया, वो भी बोलेंगे हमने ये कर दिया, हमने ये कह दिया था, वो केवल आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो दम होता खुद के निकलवा लेते, दूसरा क्या काम करवाएंगे, खुद का नहीं करवा सकते, तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहना। इसलिए ये वीडियो एक और सूची के इंतजार करने वालों के लिए है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश ही है, उसके आदेश की पालना हो रही है, तो ऐसे में आप लग रहे हो ना, कई लोग कहेंगे कि हमारे तो हम कोर्ट जाएंगे इसको रोक देंगे, नहीं रुकेगी, जो विभाग पालना कोर्ट के आदेश की कर रहा है, और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सूची आ रही है। तो मैं स्पष्ट बता दिया कब तक आपकी ज्वाइनिंग, ये भी बता दिया। अब माननीय शिक्षा मंत्री से मैं बात करके जल्द से जल्द आदेश करवाने की कोशिश करूंगा, संपूर्ण प्रक्रिया हो चुकी है, एक और सूची जारी होगी, नीचे से ऑपरेट की जाएगी, और इसमें यह है कि जो लोग, जो जिनका नाम पहले आ गया था दूसरे विषय में पोस्टेड थे, तो इसमें नाम आ गया था, वो रिमूव हो जाएंगे, वो उस समय ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, वो अपात्र हो गए, तो वो रिमूव हो गए, उनकी जगह नए लोगों को मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है, उनकी जगह नए लोगों को मौका मिल रहा है। हाँ, डेढ़ गुना आती तो उसको फायदा था, जो लोग, कई लोग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में चले गए, तो उनकी जगह नए लोगों को मौका मिलता, ये नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने विधिक राय लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो कोर्ट के आदेश की पालना ही करेंगे, और उस आदेश की पालना में एक और सूची जारी हो रही है। दोस्तों मैंने जितनी मेहनत की, मुझसे हुआ जी जान लगाकर, आप लोगों के लिए मेहनत की है, फिर भी जिन लोगों को मेरी वजह से बुरा लगा हो, क्यों पेन यादव नहीं चाहे मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन मैंने मेरी ताकत लगाकर आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, मुझे नहीं सीधे चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं वाई वाई चाहिए, मैंने जो आपसे वादा किया था, क्योंकि मैंने उन लोगों के आंखों में आंसू देखे थे, मैंने उस दिन कसम खाई थी मेरी जान चली जाए, पीछे नहीं, आपकी सूची जारी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और शिक्षा मंत्री के सहयोग से, ये सूची जारी हो रही है। जब सूची के लिए मना कर दिया गया था, फिर भी जिद करके, लड़ाई झगड़ा करके आपकी सूची जारी करवा रहा हूँ, और जल्दी आपके आदेश हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।